नमस्कार साथियों, आज जो विषय पर मैं बात करने वाला हूँ तो मैंने सोचा कि डायरी का महत्व क्या है इस पर बात करूँ और डायरी क्यों लिखना चाहिए ये तो इस बारे में भी आपके सामने विचार प्रकट हुआ। और डायरी लिखने का भी मुझे 2008 में जब TRK सोमैया जी और वाइस चांसलर यशवंतराव विद्यापीठ के उस टाइम नासिक के कुल गुरु थे वेरुलकर जी, वर्षा विद्याविलास ताई, ये सब मिले ताई हुए और फिर उन्होंने किताबें दी बहुत सारी ढेर सारी मुझे नासिक प्रिजन में और वहाँ फिर उन्होंने कहा कि आप डायरी भी लिखिए। तो मैंने कहा चलो लिखते हैं। तो मैंने उस टाइम में मेरे कुछ दो डायरी लिखी थी, जेल के अनुभव और जेल में मेरे जीवन के बारे में क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद में फिर बाहर आने के बाद में वो आदत लगी रही, क्योंकि क्या होता है हम कोई चीज़ पर बोलते हैं तो उसमें थोड़ा फार तो 100 नहीं तो 20% तो अमल करना चाहिए, तब बोलना चाहिए। तो गांधी जी का भी डायरी का महत्व क्या है तो उस बारे में उन्होंने 20/1/1933 में हरिजन बंधु है उसमें उन्होंने वो लेख लिखा था। वो भी यही कहते थे कि डायरी का महत्व क्या है, वो बोलते थे डायरी का विचार करके देखता हूँ तो मेरे लिए यह एक अमूल्य वस्तु हो गई है। जो सत्य की आराधना करता है उसके लिए यह पहरेदार का काम करती है, क्योंकि इसमें सत्य ही लिखना है। आलस किया हो तो लिखे ही छुटकारा, काम न किया हो तो लिखते ही छुटकारा। यह सब तरह से पहरेदार हो जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि सब इसकी जरूरत समझे। एक बार नियमित लिखना शुरू करने पर हमें स्वयं ही सूझने लगते हैं कि क्या और कैसे लिखना है। एक शर्त है, इसे सच्चा बनाना होगा। इसके अभाव में डायरी खोटे सिक्के सी हो जाती है, पर यदि इसमें सत्य हो तो यह सोने की मोहर से भी कीमती हो जाती है। डायरी लिखने का नियम कर लेने के बाद इसका लाभ तुरंत न हो तो बाद में अवश्य होगा। डायरी रखने की आदत हो हमें अनेक दोषों से बचा लेगी, क्योंकि यह हमारे दोषों की साक्षी रूप होगी। किए हुए दोषों का इसमें उल्लेख होना ही चाहिए, इस पर आलोचना करने की जरूरत नहीं, आलोचना अध्याहार रूप में होगी ही। आज ब पर क्रोध आया, आज क को धोखा दिया, बस इतना ही उल्लेख काफी है। मन, यह बहुत बुरा हुआ, यह आदि लिखने की जरूरत नहीं, अपनी स्तुति भी न लिखी जाए। किए काम और दोषों का उल्लेख पर्याप्त है, दूसरों के दोषों का उल्लेख डायरी में नहीं होना चाहिए। डायरी रूपी प्रतिबंध आत्मशुद्धि से में सहायता करती है, ऐसा मोहन करमचंद गांधी जी हरिजन बंधु में 20/1/1933 में उन्होंने लिखा था। गांधी जी का कहना था, यह गांधी जी का कहना था, उन्होंने ये हरिजन बंधु में 20/1/1933 में लिखा था। तो डायरी लिखना बहुत ही बढ़िया, और मैंने भी फिर लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में सोचा क्या करें क्या नहीं, तो बहुत से विचार लिखे जेल के इस पर, जो जेल डायरी, तो जेल पर 32 ऑडियो बनाए, उस पर भी लिखान किया और कुछ 3 घंटे के वो हो गए ऑडियो। और फिर डायरी भी लिखी, डायरी अभी कुछ 3 डायरी हो गई लिख कर जेल में तो वो लिखी थी, ये बाहर अभी लॉकडाउन में ये 3 डायरिया हो गई लिख कर। ये भी पूरा लिख दिया, ये जो डायरी थी ये भी पूरी, जो पेज थे अच्छे अच्छे वो सब लिखे, और ये भी डायरी जो है
ये भी डायरी लिखी, तो ऐसे डायरी भी लिखी और कहते ना, तो अपन खुद उस पर अमल करना चाहिए। और डायरी लिखना बहुत अच्छा है, मुझे तो लॉकडाउन में बहुत सहायता मिली। अब विचार जो भी थे मेरे, जो लॉ पर भी कुछ ऑडियो ऑडियो बनाए वो डाले, वो भी लिखे, तो बहुत सी तीन एक डायरी भी लिख दी, और अपने विचार है इसमें प्रकट करने के लिए भी मिले और बहुत से कुछ पढ़ने के लिए मिला। तो डायरी का महत्व गांधी जी ने उस टाइम में लिखा था, बहुत बढ़िया लिखा था, आत्मशुद्धि के लिए सहायता करती है, और ये सच है। आप भी सब लोग डायरी लिखिए, ये मेरी विनंती है। धन्यवाद। अब विचार जो भी थे मेरे, जो लॉ पर भी कुछ ऑडियो ऑडियो बनाए वो डाले, वो भी लिखे, तो बहुत सी तीन एक डायरी लिख दी, और अपने विचार है इसमें प्रकट करने के लिए भी मिले और बहुत से कुछ पढ़ने के लिए मिला। तो डायरी का महत्व गांधी जी ने उस टाइम